बनारस और संगीत का सदियों से गहरा रिश्ता रहा है। बनारसी संगीत ने आधुनिक भारत की सोच और आध्यात्मिकता में बहुत गहरा योगदान दिया है। और अगर हम भारत की शास्त्रीय संगीत पर नजर डालें तो इस बात का एहसास होता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के सभी श्रेष्ठ महारथियों ने बनारस के कबीर चौरा के आसपास 300 मीटर के दायरे में ही जन्म लिया, जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित रविशंकर, पंडित किशन महाराज, राम सहाय, सितारा देवी आदि। महान कवि कबीर ने भी यही कबीर चौरा में आकर संगीत को दिल से महसूस किया और वो भी यहीं बस गए। आइए कबीर चौरा के आसपास रह रहे कुछ परिवारों से यहां के शास्त्रीय संगीत के बारे में चर्चा करें। बनारस एक विचित्र नगर है, 6,500 साल की लगातार जिंदगी के इतिहास। ये हिंदुओं का मक्का है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये प्लूरलिस्टिक है, बहुवचन का समाज है। हर मिजाज के लोग इस शहर में आए, विकसित हुए, जीवन जिए। कबीर भी उसी मिजाज का एक हिस्सा है, जो रूढ़िवाद के खिलाफ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के तौर पर मध्य युग में दिखाई पड़ा, संप्रदाय के ऊपर मानव धर्म के पुजारी। पर क्या इत्तफाक है कि जिस जगह पर उनका ये मठ है, इसके 300 स्क्वायर मीटर के परिधि में हिंदुस्तान के बहुत बड़े संगीतज्ञों का जमा पड़ा है। पंडित पूरन महाराज, पंडित पूरन महाराज पंडित किशन महाराज के पुत्र हैं, जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तबले में जो मतलब कि अपना नाम उनके बराबर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के बराबर में रखे, और तो ये पापा का एक महादेन था। पंडित रविशंकर जी के साथ उन्होंने एक बॉम्बे से उन्होंने शुरुआत किया नए तरह का, कि जो संगत का, कि जो मतलब कि सवाल जवाब तबले का और सितार का जो सवाल जवाब होता है, तो उनका एक कंट्रीब्यूशन हुआ ये। इस प्रकार से अब हम लोग अब करते हैं सवाल जवाब। पिताजी ने सोलो भी बजाया, संगत भी बजाया, और सबसे बड़ी उनका जो सबसे बड़ा वो है कि वो तबले वालों को बहुत इज्जत दिलाए। हमको ये मैं नहीं कहता कि मतलब कि अच्छे अच्छे जो भी बनारस के अलावा बाहर के आर्टिस्ट हैं, सफ़ात अहमद हैं, जाकिर भाई हैं, सब कहते हैं कि जो महाराज जी ने जो तबले को जो ऊंचाई दी है उसमें कोई उसका कोई जवाब नहीं है। पंडित रामलाल मिश्र पंडित समता प्रसाद मिश्र के पुत्र हैं, जिन्हें बुधाई महाराज के नाम से भी जाना जाता है। बनारस को वर्ल्ड में, दुनिया के अंदर में सांस्कृतिक नगरी ही कहा गया है। यहाँ जो है ये बनारस सांस्कृतिक नगरी है। हमारे बनारस के अंदर में संगीत, साहित्य, संस्कृत और अनेकों प्रकार के हर क्षेत्र के विद्वान यहाँ, ज्योतिष में हर क्षेत्र के विद्वान बनारस में मिलेंगे। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगा, गायन वादन नृत्य तंत्र सब मिलेगा। एक से एक कलाकार पड़े हुए हैं, जैसे गुदड़ी में लाल पड़े रहते हैं गुड़े में, वैसे ही बनारस के अंदर कलाकार हैं आप समझ लीजिए। अब अपनी किस्मत की बात है, वो कोई ताज में है तो कोई गुड़े में पड़ा हुआ है। पंडित विकास महाराज पंडित नानकू महाराज के पुत्र हैं और एक माने जाने सरोद वादक हैं। अरे विदेशी हमसे कहते हैं, मैंने आप विश्वास नहीं करेंगे, इस बार हम टूर पे यूरोप गए थे, वहाँ गए टूर में, व्यक्ति ने पूरी रात का प्रोग्राम रखा, यानी शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं और मेरा बेटा और दोनों बेटे ने सिर्फ राग रागनी, यानी शाम के राग से लेकर सुबह माणी के भैरवी तक हमने बजाया, और सारी जनता जो है बैठ के सुनती रही। और नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आके आज तक इतिहास में जर्मन के
जर्मन में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मोहन कृष्णा जी, श्याम कुमार कृष्णा जी और चौबे महाराज जी, गोपी कृष्णा जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी संगीत के लिए कर रहे हैं और मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ और मैं भी अपनी दादी से कुछ सीख रहा हूँ, अपने पिताजी से, पंडित मोहन कृष्णा जी से, और इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे दादा परदादा लोग जाते थे कोठे पर बजाने, ये हमारे पिताजी का देन है, बोले कि नहीं हम लोग कोठे, क्योंकि ब्राह्मण के लोग ये काम करने लगे और जाके बजाने लगे, ब्राह्मण लोग बहुत नाराज हुए, बोले हमारे समाज के लोग तुम लोग बजाते हो जा। पापा ने इसका विरोध किया, नहीं तो कई सौ सालों से बजता रहा। पापा ने कहा कि नहीं हम लोग वहाँ कोठे पर जाके नहीं बजाएंगे, शुरू में शायद रोज बजाए, हम लोग नहीं बजाए हैं। तो पापा ने कहा कि नहीं कोठे पर हम लोग जाके नहीं बजाया करेंगे। आप अगर बहुत पहले चले जाइए तो जैसे नृत्य को पहले अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, उसको सिर्फ बहुत लोग बुरी नज़र से देखते थे, यानी घुंघरू पहनना ही लोग बुरा मानते थे, तो और ये हमेशा तवायफों तक और कोठों तक ही सीमित था। उसके बाद मेरे सुखदेव महाराज जी ने इस बात को सोचा कि अगर इस तरीके से अगर संगीत रहा तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लोग इसको किताबों में पढ़ना शुरू करेंगे। फिर उन्होंने इसको बिल्कुल धार्मिकली कर दिया, इसको शिव, बिकॉज हम शिव की नगरी में रहते तो उसको बिल्कुल धार्मिकली तांडव शैली में, नटवरी शैली में इसको बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया। और फिर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी अलकनंदा देवी जी को, उसके बाद तारा देवी जी को और फिर सितारा देवी जी को उन्हें नृत्य सिखाना शुरू किया और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया। हर जगह, गली में, कहीं पे भी जहाँ उनको स्टेज मिलता था, ऐसा लगता था कि यहाँ पे इनको इसको करना चाहिए, तो वो उस जगह पे हमेशा करते थे वो नृत्य को। चूँकि कबीरदास जी का ये कर्मस्थली और धर्मस्थली रहा, मार्ग यहीं से शुरू हुआ कबीर पंथ का, और इस क्षेत्र में जो कलाकार जितने हुए ये आज के नहीं हैं, ये कबीरदास जी से पहले के यहाँ पे हैं। क्योंकि बनारस की जब इतिहास देखी जाती है, प्राचीन इतिहास, तो बनारस के सबसे पुराना मोहल्ला जो है वो झंडा तली एरिया, और झंडा तली ये बगल में है हमारे, यानी हमारे घर से कबीर चौरा हॉस्पिटल के बीच में पड़ता है ये एरिया। ये एक संस्कृति नगरी रही, यानी संगीत, साहित्य, कला, संस्कृति की एक वो थी, सेंटर थी। तो कबीरदास जी जब आए यहाँ पे तो वो भी उसी में रमे हुए थे, संगीत में। तो एक जैसे एक परिवार से दूसरा परिवार बन जाता है, दूसरे से तीसरा परिवार बन जाता है, धीरे धीरे ये परिवार यहाँ पे बढ़ता चला गया। यहाँ लोग रह रहे हैं कई शताब्दियों से। मुझे लगता है बनारस में भी संगीत कभी सांप्रदायिक नहीं रहा, संप्रदाय के बंधनों से ऊपर संगीत अपने आप में एक संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ, जो कबीर साहब के मिजाज से बहुत मिलता जुलता है। और शायद विधि माने तो ये विधि का विधान है, अच्छे लोग एक जगह बसते हैं। सामान्य लोग जो बनारस को नहीं जानते हैं वो कहते हैं ये धार्मिक नगरी है। बनारस कभी भी धार्मिक नगरी रहा ही नहीं, ये नगर आध्यात्मिक है, रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल है। नृत्य के साथ धार्मिक का कनेक्शन तो है ही, क्योंकि पहले तो नृत्य मंदिरों में भी हुआ करता था, मतलब अभी भी लोग करते ही हैं, अभी भी कई समारोह बहुत प्रचलित हैं जो मंदिरों में होते हैं। और हम तो नृत्य की शुरुआत ही भगवान से करते हैं, और हम नृत्य जो करते हैं वो पूजा है हमारे लिए, और हम उस पर सिद्धि प्राप्त करते हैं। जिस तरीके से तंत्र मंत्र, बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो तंत्र के लिए करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत चीज़ें करते हैं, वैसे हम ये हमारे लिए एक धार्मिक चीज़ें हैं जो हम करते हैं। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.